ये बूढ़ा आदमी गहरी सांसें ले रहा होता है और वहाँ एक आदमी बताता है कि प्लीज डैड मुझे माफ कर दो, और फिर वो उन्हें जंगल में ले जाकर गला दबाकर उनको मार देता है और फिर जला देता है क्योंकि उसके डैड एक वायरस से इन्फेक्टेड थे, जिसके बाद वो आदमी जिसका नाम पॉल था वो घर आके खाना खाते है। ये सभी उदास होते हैं, जिसके बाद पॉल खाने की डिश ले जाता है, फिर उसका बेटा भी सोने चल जाता है पर तभी वो अचानक से जग जाता है और उसकी मॉम आ जाती है और बोलती है कि घर में कोई घुसाया है। तब वो लोग मास्क पहन के वहाँ जाते हैं और फिर पॉल गोली चला देता है और तब उसकी पत्नी बोलती है रुको वहाँ पे एक आदमी था। फिर वो आदमी हाथ ऊंचे कर लेता है और बोलता है मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। फिर पॉल उसे कर बाहर ले जाके एक पेड़ से बांध देता है और सारी रात उसको बांध के रखने बाद वो सुबह में उसे देखने जाता है कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। उसे कहता है कि देख इसमें गोलियां भरी हुई है, कोई होशियारी मत करना। फिर वो उससे पूछता है कि तुम मेरे घर क्यों आए और क्या कर रहे थे। तब वो आदमी बोलता है कि मैं यहां अपनी बीवी बच्चों के लिए खाना पानी ढूंढने आया था और इस घर की लाइट भी बंद थी। फिर पॉल उसकी बात मान लेता है और उसकी बीवी और बच्चों को लेने जाता है। वो लोग रास्ते में से जा रहे होते हैं तभी उन पर कोई हमला कर देता है और पॉल गाड़ी के नीचे होता है, तभी वहां वो हमला करने वाले को शूट कर देता है और फिर वो आदमी बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना था, ये कोई बड़ी गैंग का बंदा हुआ। तो फिर आगे इन दोनों का क्या हुआ जानने के लिए